हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में अरे और अरे लिस्ट के बीच में डिफरेंस को समझने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल बनाकर समझाएंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ए नेम का एक अरे बनाया है और इसका जो टाइप है वो मैंने इंट रखा है। इसका मतलब ये है कि इस अरे के इनसाइट जो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स है वो आएंगे। यहाँ पर जो अरे है उसका साइज मैंने 5 दिया है। तो अरे में जो साइज़ आप देते हैं वो कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाता है, रन टाइम पर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मुझे इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, तो इंडेक्सिंग के बेसिस पे ये 5 एलिमेंट्स में स्टोर करवा सकता हूँ। तो चलिए 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पर मैंने 2 को स्टोर करवाया है, 1 इंडेक्स पे 3 को स्टोर करवाया है, 2 इंडेक्स पे 4 को स्टोर करवाया है, 3 इंडेक्स पे 5 को स्टोर करवाया है और 4 इंडेक्स पे मैंने 6 को स्टोर करवाया है। यहाँ पर मैंने अरे के इनसाइट जो एलिमेंट मैंने स्टोर करवाए हैं उन एलिमेंट्स को निकालने के लिए फॉरिच लूप का यूज़ किया है और प्रिंट करवाने के लिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ किया है। यहाँ मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है अरे की, जिससे अरे लिस्ट को समझना आसान हो जाएगा। चलिए रन करके बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं और रन एज़ वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप ध्यान दें ताकि आप अरे लिस्ट को बेटर तरीके से समझ पाएँ। पहली बात तो ये कि जब आप अरे बनाते हैं और यहाँ पर आप साइज़ देते हैं तो ये कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाता है। अब ये रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकता, जबकि अरे लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर रन टाइम पर आप चाहे जितने एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं, वहाँ साइज़ का कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पर आप प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट का यूज़ किया। जब आप अरे लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पर आप वेपर क्लासेस का यूज़ करेंगे प्रीमिटिव डेटा टाइप की जगह, वहाँ पर आप प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंट की जगह आप इंटीजर यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरे लिस्ट को बनाकर देखते हैं। तो अरे लिस्ट को कैसे बनाएंगे आप, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो अरे लिस्ट है वो एक क्लास है जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्लास का नेम लिखेंगे इस तरीके से। ध्यान दें, यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो अरे लिस्ट है वो किसके लिए है। जैसे कि वहाँ पर मैंने प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ किया था इंट, यहाँ पर अगर मैं प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो हो रहा है, यानी कि जब आप अरे लिस्ट बनाते हैं तो आप प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वेपर क्लासेस का यूज़ करना है, तो इंट की जगह मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटीजर। चलिए अब मेरा अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देता हूँ। किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं, बहुत आसान है। अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स डाल रहा हूँ, तो मैं रेफरेंस में नंबर्स नेम का यूज़ करूँगा। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नंबर्स नेम रखा है रेफरेंस का। अब मुझे यहाँ पर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करने हैं इसके इनसाइड, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जो अरे लिस्ट है ध्यान दें उसके इनसाइड एड नेम का एक मेथड होता है, उसका यूज़ हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम कॉल करेंगे एड नेम के मेथड को, और यहाँ पर मैंने 101 डाल दिया पहला एलिमेंट। इसी तरीके से मैं कुछ और एलिमेंट्स डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ 102 डाल दिया, यहाँ 103 डाल दिया, यहाँ 104 डाल दिया, ठीक है। अब प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाने के लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो।
इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है नंबर्स। चलिए रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं। अब मैं कोई एलिमेंट और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइज़ का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर 104 ही रख रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। वापस से रन करते हैं इसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 104 दो बार आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अरे लिस्ट है उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर हो सकते हैं। चलिए अगर आप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं अरे लिस्ट के इनसाइड, तो आपको यहाँ पर इंटीजर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग। और यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, इस तरीके से। और यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर दें, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने यश, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ संजू, यहाँ लिख दिया मैंने मंजू, यहाँ लिख दिया मैंने एक बार और मंजू लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख दिया मैंने मंजू। चलिए रन करके बताता हूँ आपको। राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं इसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं। यह संजू, मंजू, 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 यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अरे लिस्ट के इनसाइड। अरे लिस्ट का जो पेरेंट होता है वो लिस्ट इंटरफेस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको जावा का रूल पता है कि आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रख सकते हो, तो यहाँ पर हम लिस्ट इंटरफेस के रेफरेंस में भी इसे रख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट इंटरफेस को इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पर। अब मैं वापस रन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वही आउटपुट आया है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने अरे और अरे लिस्ट के बीच में डिफरेंस को विद एग्जांपल समझा, और अरे और अरे लिस्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए हमने अलग अलग टाइप के एग्जांपल बनाए। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।